बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल रेसिपियों का सिलसिला जो हमने शुरू किया हुआ था रमज़ान शरीफ को लेकर के कारोबारी हजरात के लिए, वो जारी है। डेली बुनियादों पे हम आप तक रेसिपी पहुंचा रहे हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, और जो लोग घर में खवातीन बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हैं वो अपना कारोबार भी कर रही हैं, और जो लोग अफ्तारी के टाइम पे सहरी के टाइम पे हमारी रेसिपियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तमाम लोगों की सपोर्ट का मेरे भाइयों शुक्रिया। आज की रेसिपी कमर्शियल रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, अथेंटिक रेसिपी। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने आज आपको तैयार करके दिखाई है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा कॉल्स, काफ़ी अर्से से मैं लेट हो रहा था। जिन लोगों की ये डिमांड थी, जिन लोगों की रिक्वेस्ट थी, दही बड़े तैयार किस तरीके से होते हैं, मैं आज आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। और हमारे चाहने वाले हैं यूएसए ओ हायो से इशफाक अहमद और उनकी मिसिज हैं। ये रेसिपी हम उनके नाम करते हैं, आप देख लीजिएगा। कंप्लीट रेसिपी हम आज आपको बताने वाले हैं। आप लोगों की भी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ये रेमी बस, ये मेरे पास दही है। सबसे पहले मैं आपको दही को ग्राइंड करने का तरीका बताता हूँ। आपने हल्की सी ग्राइंड करनी है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करनी है। देखें, इसको जग में डालने लगा हूँ आपके सामने। ये देखें इस तरीके से, ये देखें कंप्लीट। आज इंशाल्लाह कमर्शियल जो लोग स्टॉल लगाना चाहते हैं दही बड़े का, वो लगा सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, सिर्फ मैंने 2 से 3 सेकेंड इसको चलाना है बस। ये देखें चला के ये इसमें निकालना है इस तरीके से। ये मैं सारी दही इस तरीके से ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेवर, मैंने ये दही को ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैं फिलहाल, ये देखें ये फुलकियाँ, मैंने आपको इसका तरीका बताया था बनाने का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। इनको मैं पहले पानी डाल के भिगोने लगा हूँ ताकि जब तक हमारी चटनियाँ तैयार होंगी तो ये भिगी रहें। ये देखें इनको भिगो दें इस तरीके से। ये देखें, ये लें जी, इनको मैं भिगोने लगा हूँ यहाँ पे। ये पकौड़ियाँ कह लें इसको या बूंदी कह लें, इसका अभी मैंने आपको पहले रेसिपी दे दी थी। जो लोग इसका कारोबार करना चाहते हैं खुश्क का, वो वैसे कर लें। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। हमें इसके साथ का एक बड़ा थोड़ा सा बर्तन चाहिए इसको भिगोने के लिए। इसमें इनको मैं भिगोने लगाऊं, ये देखो इनको भी भिगो दें। ये तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं दोनों चीज़ों को भिगोने लगा हूँ। जब तक हमारी चटनियाँ तैयार होंगी ये भीगी रहेंगी, ये मुकम्मल तरीके से नरम हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। ये लें जी, ये लें व्यूअर, ये जग दही वाले को साइड कर दें, न्यू जग ले लें। ये लें, ये जग दूसरा चेंज कर लिया मैंने। अब मैंने इसमें करना क्या है, सब्ज़ चटनी जो दही बड़ों के ऊपर आप देखते हैं वो डली हुई होती है, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। 4, 6, 7, 8, 9, 10 अदद सब्ज़ मिर्चें दरमियाने साइज़ की, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये डाल दें इसमें। ये प्याज देख लें, ये थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा, ये देख लें इतना सा बस, ये इसमें डाल दें। 5 जवे लहसुन के, ये देख लें 5 जवे बस, ये इसमें डाल दें। ये धनिया है मेरे पास, ये देखें, ये इतना धनिया, ये डाल दें। ये मेरे पास पुदीना है, धनिया से आधा पुदीना जाएगा। अगर पुदीना ज़्यादा डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, कड़वी बनेगी। ये पुदीना थोड़ा सा डाल दें इसके अंदर। ये मेरे पास नमक है, सिंपल सादा नमक, ये 1/2 टीस्पून, ये इतना सा, ये देखें ये शामिल कर दें। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, ये देखें बस, ये पानी शामिल कर दें। 1/2 गिलास मैंने शामिल किया इसके लिए, इसको इसको ऊपर से ऐसे कवर कर दें। ये इस बॉल में निकाल लें, ये देखें क्या ही बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसको साइड कर दें। अब मैंने दही भी तैयार कर ली, ये ग्रीन चटनी भी तैयार कर ली ना, ये भिगो दी, पकौड़ियाँ भी, बूंदी जिसे कह लो, भल्ले भी भिगो दिए। जूसर मशीन साइड कर लो, जूसर मशीन का काम खत्म हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या तैयारी करनी है, आप मेरे साथ रहेंगे।
ये ले मेवर, इनके इसके दही बड़ों के ऊपर जो मीठी चटनी तैयार होती है वो किस तरीके से तैयार होती है? वैसे तो कई तरीकों से तैयार होती है, लेकिन मैं आपके साथ एक तरीका चटनी का आज शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह तमाम चटनियों की रेसिपियाँ, जो चनों से चटनी तैयार होती है, आलू से चटनी किस तरीके से तैयार होती है, खुबानी की चटनी किस तरीके से तैयार होती है, मुकम्मल चटनियों की रेसिपियाँ आप लोगों से शेयर करूंगा। वो आपको जो अच्छा लगे घर में आप उसको बना के वो चटनी यूज करें, लेकिन कमर्शियल एवं बनेंगे जैसे मैं दस रहा हूँ। पैन ले लें, चूल्हा ऑन कर लें, चूल्हा ऑन कर लिया। ये मेरे पास एक पाव वाला पौवा है, यह इमली का पलप, इसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। ये एक पाव ले लें, इसके अंदर डाल दें, इसको थोड़ा सा गर्म होने दें, फिर मैं आपको मिलता हूँ इसमें क्या शामिल करना है। ये ले भी, ये देखिए पल्प हमारा पकने लग गया। इस टाइम पे आके एक पौवा हमने लिया था पल्प का, एक पौवा पानी का शामिल करते हैं। पानी का शामिल करके ये मेरे पास चीनी है 200 ग्राम, ये चीनी शामिल कर दें और इसको चीनी को मेल्ट होने दें अच्छे तरीके से। ये देखें ये मेल्ट हो जाए चीनी, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आँच मेरे नीचे से जो है ना वो स्लो है, तेज़ आँच में ना पकाइएगा, जहन में रहे आपके। ये नहीं बोलिए, मेरे पास आलू थे तकरीबन 3 पाव के करीब, इनको मैंने बॉयल कर लिया था इस तरीके से, नमक डाल के बॉयल कर लिया। इसको इस तरह कट लगाएं और हमें इस तरह के चाहिए, देखें आलू इस तरह के, जब तक हमारी चटनियाँ तैयार हो रही हैं इस तरह, ये देखें इस तरह के। ज़्यादा आपने इनको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, फिर ये टूट जाएंगे। हमें टूटे हुए आलू नहीं चाहिए, हमें इस तरह के चाहिए डकरे, देखें इस तरह के, इस साइज़ में, ये टूटने नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा बॉयल करेंगे फिर ये टूट जाएंगे, बात ज़हन में रहे आपके। इस तरीके से फिर ये मैश हो जाएंगे, फिर वो खूबसूरत नहीं लगते प्लेट में डले हुए। ये देखें इस तरीके से मैं 3 पाव आलू हैं, ये मैं काट लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले मेवर, ये देखिए पक रही है। इस टाइम पे आके इसके अंदर ये काला नमक है, ये देखें 1/2 टीस्पून से भी कम है, हैं 1/4 समझ लें आप, टीस्पून 1/4 ये इसमें शामिल कर दें, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। ये मेरे पास गर्म मसाला है, ये मैंने खुद तैयार किया हुआ था, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। ये भी उतना 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास कॉर्न फ्लोर है, ये 1.5 टेबल स्पून है, लेकिन जितना मुझे थिकनेस चाहिए होगी मैं उतना डालूंगा, आप मेरे साथ रहेंगे। इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको मिक्स कर लूँ थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये देखें इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। ये पक रहा है, इसके अंदर मैंने डालना है, ये देखें नहीं, और बस थोड़ा सा ही बचा है। ये देखें 1 टेबल स्पून आपने डालना है, फ्लेम को और कम कर दें, फ्लेम कम कर दिया। ये मेरे पास फूड कलर है, रेड फूड कलर मैंने ये लगाना है इसमें। ये देखें जितना मुझे कलर पसंद आएगा मैं उतना इसको रोक दूंगा, ये आप ध्यान में रखा करें। ये देखें इस तरीके से, बहुत प्यारा टेस्ट, बहुत प्यारा फ्लेवर बनेगा इसका। ये देखें मैं फूड कलर इसमें और डालूंगा, क्योंकि रेड होती है, जो कमर्शियल तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो वो रेड होगी, जहन में रखिएगा। ये लेवल इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद करते हैं, इसको ठंडा होने दें। बस आप बिल्कुल ठीक करके उतारेंगे, मेरे एक बात जहन में रखें, जिस चीज़ में भी कॉर्नफ्लोर यूज होता इस्तेमाल होता है वो ठंडा होने के बाद भी थिकनेस की तरफ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं अगर इसको मज़ीद ठीक करता तो ये जमने की तरफ चला जाता, मैंने इसको इस तरह इस कंडीशन में उतार लिया। बस अब ये मज़ीद थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये थिकनेस की तरफ चला जाएगा। अब क्या करना है मैं आपको फिर मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, ये देखें ये भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं बिल्कुल कम्प्लीट। इनको ऐसे उठाएँ जिस तरह मैंने पहले बताया था, इस तरह निचोड़ लें इसको, इस तरीके से नरम हाथों से दही में डालते जाएँ, ये दही में, ये लें इस तरीके से उठाएँ इसको, इस तरह निचोड़ें, ये देखें इस तरह भी निचोड़ सकते हैं, ये दही में डाल दें, इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से निचोड़ दें। उनके पास जब आप स्टाल लगाएंगे तो आप थाल में इस तरीके से खड़े करके लगाएंगे काफ़ी सारे, फिर ऊपर दही डालते रहेंगे। लेकिन हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं स्टाल लगा के, जो लोग लगाना चाहते हैं। फिर भी ये जो मैं तैयार कर रहा हूँ कम अज़ कम भी ये 20 से 25 लोगों के हैं, ये जो मैं तैयार कर रहा हूँ ये सारे हमने तकसीम ही कर देने हैं।
इस तरीके से लगाएं, ये देखें इस तरीके से निचोड़ लें इसको, ये इस तरीके से डाल दें, ये इस तरीके से, ये लें जी, ये हमारे, ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये दही में रहेंगे अब। ये बात आपको समझ आ गई, ये टिप्स भी, ये हमने निचोड़ के दही में डाल देने, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो देख लें। ये नवेवर इस टाइम पे आके, ये मेरे पास सलाद कटर है, ये मेरे पास प्याज है, ये देखें इनका सलाद किस तरीके से तैयार होगा, तवज्जो से सुनिएगा। इस तरीके से आपने बना लिए लच्छे, साइड पे कर दें, मैं आपको सारा कंप्लीट गाइड करता हूँ। ये देखें इस तरह बन गए। अब मैं करूँगा क्या, इस तरह बना के इनको ऐसे सेंटर में से काट लेने हैं, ये ऐसे ऐसे सेंटर में से। अब मुझे इस तरह का सैलड चाहिए। ये लें इस टाइम पे आके, हमारी ये जो पकौड़ियाँ, बूंदी, जो भी आप इसको नाम देते हैं, ये कंप्लीट हो चुकी हैं। इस टाइम पे इसको निचोड़ लें इस तरीके से, देखें यहाँ डालते रहें इस तरीके से, ऐसे निचोड़ लें इसको, पानी इसका हमने निकाल देना है, निचोड़ देना है। ये देखें कमाल की कारोबार, कमर्शियल रेसिपियाँ आप लोग काम किए करें, स्टॉल लगाना चाहते हैं वो लगाएं, जो मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, बहनें सुन रही हैं, ऐसे इंशाल्लाह आपका एक टेस्ट बन के आएगा, सिग्नेचर होगा। ये रविवार, ये देखें, ये मैंने जो थी ना बूंदी अपनी, इस तरीके से रख दी, इसको इस तरीके से रख दें यहाँ पे। ये मेरे पास चने थे आधा किलो, ये मैंने पहले भिगो दिए थे रात को, फिर सुबह मैं उठा, इसको मैंने हाफ टेबल स्पून नमक डाल के बॉयल कर लिया, ज़्यादा बॉयल की तरफ नहीं लेके गया, फिर इनका छिलका उतरने लग जाता है, ये अच्छे नहीं लगते दही बड़े में, जहन में रहे। ये देखें इसके अंदर डाल दें, यहाँ पर शामिल कर दें, पेस्ट यहाँ पर शामिल कर दें, मिक्स भी कर सकते हैं आप, मिक्स करके, कुछ लोग मिक्स करके रखते हैं, मिक्स करके रखना चाहें आपकी मर्ज़ी, इस तरीके से रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आलू जो हैं ये साइड पे रखे जाएंगे, ये इसके अंदर मिक्स नहीं होंगे, ये जहन में रखिएगा। ये आलू यहाँ पे रख दें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, ये देखें, क्योंकि चना जो है ना, जो कारोबार करते हैं चने, वो थोड़े से ही डालते हैं, ज़्यादातर पकौड़ियाँ या बूंदी और आलू होते हैं। ये लें व्यूअर, इस टाइम पे आके आपने करना क्या है, ये एक टमाटर है मेरे पास, इसको आपने राउंड काटना है गोलाई में, ये देखें इस तरीके से, ये इस तरह, मैं आपको बताता हूँ फिर इसका क्या करना है। डेकोरेशन करेंगे, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताया, डेकोरेशन जितनी आप अच्छी करेंगे उतना ये ज़बरदस्त रहेगा। ये इस तरीके से लगाएं, ये देखें इस तरीके से लगाएं इसको, ये ऐसे इस तरीके से लगाएं, ये ऐसे लगा दिए। ये कुछ टमाटर मेरे पास हैं चॉप किए हुए, इनका मैंने बीज रिमूव कर दिया, ये साइड पे ऐसे रख दें, ऐसे ऐसे इस साइड पे भी रख दें थोड़े से, ये देखें इस तरीके से यहाँ रख दिया। ये मेरे पास सबक मिर्चें हैं, ये देखें, ये अलग रख दें आप इनको, कोई बात नहीं, यहाँ पे रखना चाहते हैं यहाँ रख दें, अलग अगर कस्टमर आपसे मांगता है तो अलग डाल दें। ये देखें यहाँ पे ऐसे ऐसे रख दें, ये ले जी, ये सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, इनको इस तरीके से एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, ये लगा दिया आपने। ये मेरे पास पुदीना है, ये दो तीन पत्ते पुदीने के ऐसे ऐसे ऊपर, पुदीने की खुशबू बहुत प्यारी ज़बरदस्त। ये रविवार, इसके ऊपर देखें पुदीना लग गया है, बहुत प्यारी खुशबू इसकी आने लग गई है। ये जो मैंने आपको प्याज बताई थी ना, ये प्याज भी एक साइड पे ऐसे रख दें आप, अलग भी रख सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं आपको रेसिपी दूंगा ना दही पकौड़ियों की, उसके अंदर चने, आलू और बूंदी और प्याज मिक्स करके रखते हैं वो लोग, लेकिन जो दही बड़े वाले, जो दही बड़े की रेसिपी मैं दे रहा हूँ, या दही बड़े जो आपको मार्केट से मिलते हैं, उनके पास हर चीज़ अलग अलग होती है। दही पकौड़ियों में जो फ़र्क है, उसके अंदर ये भल्ले नहीं जाते, पापड़ी नहीं जाती, मीठी चटनी नहीं जाती। मैं आपको उसकी रेसिपी बहुत जल्द इंशाल्लाह दे दूंगा। ये लें व्यूअर, ये एक लीमू है मेरे पास, इसको दो टुकड़ों में ऐसे काट लें, खूबसूरती के लिए होता है ये, इसको यहाँ पर रखते हैं बस। अब मैंने दो प्लेटें, दो साइज़ आपको दिखाए हैं मेरे इलाके के हिसाब से जो रेट हैं। ये वाली छोटी प्लेट, स्टेट प्लेट लिया करें आप, डीप प्लेट नहीं परचेज करनी। जो दही बड़े का कारोबार करना चाहते हैं तो ये स्टेट प्लेट हम इसको कहते हैं, और ये 50 रुपये की मिलती है यहाँ पे, ये 80 रुपये की मिलती है बड़ी प्लेट। मैं आपको प्लेट बनाने का तरीका बता दूँ, ये देखें, ये थोड़ी सी ये पकौड़, ये चने, आलू, ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखें, ये देखें चने बहुत थोड़े यहाँ से, ये देखें ये चने डाल दिए,
ये ऐसे डाल दिया। ये जो ग्रीन चटनी थी मैंने आपको बताई थी बना के, ये देखें, ये थोड़ी सी ये डाल दें ऐसे। ये जो है ना, ये जो भल्ले की मैंने बताए थे, ये जो बड़ी प्लेट है सिर पे की, उसमें ये भल्ला डालते हैं, डाल के फिर उसको तोड़ देते हैं। ये जो 50 रुपए वाली प्लेट है उसमें ये भल्ला नहीं जाता, ये बात ध्यान में रहे आपके। दही डाल दें ऐसे, ये देखें क्या ही बात है, ये देखें ये ऐसे दही डाल दें। अब जो कस्टमर आपसे मीठे की डिमांड करता है, ये देखें, ये देखें मीठी चटनी डाल दें उसकी रिक्वायर के हिसाब से। ये देखें, ये थोड़ी सी ऊपर प्याज एक्स्ट्रा से जो मैंने रखी थी, ये थोड़ी सी ये डाल दें, ये टमाटर ये डाल दें। अब ये मेरे पास, ये देखें ये मिर्चें हैं, जो कस्टमर आपको कहे मिर्च तेज़ खानी है तो थोड़ी सी मिर्च डाल दें। ये चाट मसाला है, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, ये बटन में भी आ जाएगा। ये चाट मसाला ऊपर डाल दें इस तरीके से, ये देखें ये चाट मसाला डाल दें। अब ये जो कस्टमर आपको कहे भी आप सब्ज़ मिर्च डालें, तो फिर ये सब्ज़ मिर्च यहाँ से उठा के थोड़ी सी डाल दें। ये आप, अब आपके कस्टमर की पसंद पे आ गई बात। अब इसमें जो है ना, वो कहेगा मीठा ज़्यादा डालें तो आप ज़्यादा डालें। अब जो कहेगा कि आप इसमें जो है ना भल्ला डालें, तो वो 80 रुपये की प्लेट बड़ी बनेगी मेरे इलाके के हिसाब से। कुछ जगहों पे 100 रुपये की भी है बड़ी प्लेट, ये प्लेट 50 रुपये की है। ये इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। अब एंड पे क्या रह गया, पापड़ी रहेगी। अब ये पापड़ी उठाएं एक, ये देखें, ये देखें, ये देखें इस तरीके से डाल दें पापड़ी ऊपर। यहाँ पे तो हम अगर एक्स्ट्रा से पापड़ी कस्टमर डलवाता है तो उसके पैसे वो एक्स्ट्रा से लेते हैं। अगर हम एक पापड़ी से ज़्यादा कोई डलवाता है तो उसके पैसे वो अलग से जो है ना वो कहते हैं हमें देते हैं, तो वो 60 रुपये कर देते हैं। इस कंडीशन में इस तरीके की ये प्लेट जो है ना, ये 50 रुपये की यहाँ सेल होती है। मैंने मुकम्मल तरीके से जो दही बड़े की रेसिपी थी वो आप लोगों से शेयर कर दी। ये लेवर मैंने आपको दही बड़े की जो रिक्वेस्टें थी, जो डिमांड थी, वो कंप्लीट मैंने आपको गाइड कर दिया। जो लोग इसका स्टॉल लगाना चाहते हैं वो देख लें, इस तरीके से दही बड़े बनते हैं, बहुत अच्छी रोज़ी इसमें बचती है। टेंशन ना लिया करें, घबराया ना करें, कारोबार किया करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, दुनिया में मुझे जहाँ देखा जा रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। जितना आप शेयर करेंगे, किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा, उसका भला हो जाएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर एक न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।